देखो ये चार टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो ना तो किसी के बाप में दम नहीं है कि आपको मास्टर जाने से रोक सके। ओके, आज की वीडियो में मैं आपको सीएस रैंक के ऐसे चार टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा ना जिसका यूज करके आप एक ही दिन में मास्टर पे पहुंच जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा लेकिन ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे, तो चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके एवरीवन, सबसे पहला टिप्स जो है कि सपोर्ट योर नूब टीममेट। मैं जानता हूँ ये टिप्स आपको हजम नहीं होगा, लेकिन समझो आप खुद डिसाइड करते हो कि आपका ये प्लेयर है ना वो ज्यादा किल कर रहा है, देन इसको मैं सपोर्ट करूंगा ना तो हम आसानी से राउंड जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा करोगे देन आप सीएस रैंक को हारोगे। वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको ना नूब प्लेयर को सपोर्ट करना है, नॉर्मल प्लेयर नूब प्लेयर है ना वो अच्छे से नहीं खेल पा रहा है, इसीलिए वो एनिमी के पास जाते ही तुरंत मर जाएगा। देन वो मर जाएगा तो सामने वाले चार बचेंगे, आप तीन होगे, देन वो चारों मिलके आपको कितनी आसानी से मार देंगे समझो। अपना नूब प्लेयर को सपोर्ट करो क्योंकि वो पहले जाके मर जा रहा है, इसीलिए आप पे प्रेशर आ रहा है, आप पे दबाव बढ़ जा रहा है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे। और जो अच्छे से खेल रहा है ना, जिसका किल ज्यादा है और जो प्रो है ना उसको छोड़ दो, वो खुद एक दो एनिमी से आसानी से भिड़ जाएगा, लेकिन जो नूब प्लेयर है ना वो तुरंत जाके मर जाता है, इसीलिए आप पे प्रेशर आ जाता है। तो ऐसा मत करो, जो नूब है ना उसको सपोर्ट करो। आपके चारों टीममेट में से चाहे दो नूब भी क्यों ना होगे, लेकिन वो जिंदा होगे ना तो आप पे प्रेशर कम होगा, आप पे दबाव कम होगा, तो ये मत भूलना। तो ये टिप्स को फॉलो करना, जो अच्छे से नहीं खेल पा रहा उसे सपोर्ट करना। ओके आगे बढ़ते हैं दूसरे टिप्स की तरफ। देखो 1v2 या फिर 1v3 कैसे क्लच करे, जो रेंडम प्लेयर के साथ खेलते हैं ना उनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे टीममेट मर जाते हैं एंड हम अकेले बच जाते हैं और सामने दो या फिर तीन एनिमी बचते हैं, तो उनको मारे कैसे, ये सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। तो कोई नहीं, मैं हूं ना। देखो मैं आपको तीन ऐसे टिप्स दूंगा जिनका फॉलो करके आप ये सिचुएशन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हो एंड आप राउंड भी बहुत ही आसानी से विन कर जाओगे। ओके सबसे पहला टिप्स कि एनिमी को देख के भागो मत। देखो जब हम अकेले बचते हैं और सामने तीन एनिमी होते हैं ना, तो ज्यादातर बंदे क्या करते हैं कि एनिमी को देखते ही भाग जाते हैं और लॉन्ग से फाइट लेने का सोचते हैं। तो ऐसा मत करो, आप प्रॉब्लम से भागोगे ना तो प्रॉब्लम चली नहीं जाएगी, प्रॉब्लम पीछे पीछे आएगी, लेकिन प्रॉब्लम का सामना करो तो प्रॉब्लम जाएगी। तो एनिमी को देख के भागो मत, उनका सामना करो, आप सामना ही नहीं करोगे तो एनिमी ना आपको भगा भगा के मारेगी, ये मत भूलना। तो सबसे पहले तो एनिमी का सामना करो, अगर सामना ही नहीं करोगे तो एनिमी को मारोगे कैसे, 1v2 1v3 क्लच कैसे करोगे सामना ही नहीं करोगे तो। और दूसरा टिप्स कि उनका सामना कैसे करें। देखो सामना करते टाइम ना एक चीज का ख्याल रखो, वो तीनों तीन साथ में है ना तो आपको कुछ ऐसा करना है कि वो तीनों के तीन अलग अलग हो जाए। ओके 1v2 1v3 क्लच करने का तीसरा टिप्स। देखो आप अकेले बचते हो और सामने तीन या फिर दो एनिमी बचते है ना, उस टाइम एक एनिमी से फाइट करते टाइम ना जल्दी से उस एनिमी को खत्म कर दो, जल्दी से उसको डाउन कर दो। उसको डाउन करने में आप ज्यादा टाइम लगा दोगे ना तो उस टाइम दूसरा एनिमी भी आ जाएगा, तो वो दोनों मिलके आपको बहुत ही आसानी से मार देंगे। तो ऐसा मत करना, एक एनिमी आए ना तो उसको तुरंत से डाउन कर देना, उसको डाउन कर दिया ना उसके बाद दूसरा एनिमी आएगा तो चलेगा, वरना सामने तीन एनिमी बचे और एक एनिमी आपसे फाइट करने आए ना तो उससे फाइट करने में आपने टाइम लगा दिया ना, तो टाइम लगाओगे देन दूसरा एनिमी भी आ जाएगा तो आपको दोनों मिलके बहुत ही आसानी से मार देंगे। तो ज्यादा टाइम मत लगाओ, जितना हो सके जल्दी से उसको डाउन कर दो, जितना जल्दी उसको डाउन करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। लाइक स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे हम दो बचे हैं और सामने ही चार एनिमी, तो देखो यहाँ पे जैसे एनिमी आया ना तो देखो मैंने उसको तुरंत ही डाउन कर दिया और पूरा खत्म भी कर दिया, और देखो मेरा टीममेट भी मर गया। तो यहाँ पे 1v3 बचा था, मैं अकेला बचा था और सामने थे तीन एनिमी, तो देखो यहाँ पे दूसरा एनिमी आया ना तो उसको भी मैंने तुरंत डाउन करके पूरा क्लियर भी कर दिया, और देखो फिर तीसरा एनिमी आया ना तो उसको भी मैंने बहुत ही आसानी से डाउन कर दिया। तो इस तरीके से देखो आप जितना जल्दी डाउन करोगे ना उतना ही आपका फायदा होगा, क्योंकि आप एनिमी को डाउन कर दोगे ना तो उसके बाद उसका टीममेट भागता भागता आपके पास आएगा, क्योंकि उसका टीममेट मरा है तो उसको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे थे, ऊपर से आप अकेले थे इसलिए वो अकेला दौड़ता दौड़ता आएगा, उस टाइम आप उसको बहुत ही आसानी से मार पाओगे। एक स्क्रीन पे देखो इस तरीके से, और देखो लास्ट में यहाँ पे मैंने कोटरा किल भी बहुत ही आसानी से कर दिया था। तो इस तरीके से मेरे बताए ये तीनों के तीन टिप्स आप फॉलो करते हो ना तो आप 1v2 1v3 बहुत ही आसानी से क्लच कर पाओगे। ओके तीसरा टिप्स, टीममेट परफॉर्मेंस। देखो आपको ना अपने टीममेट के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेड रहना है। वो कैसे, लाइक आपके टीममेट एनिमी से फाइट करते है ना उस टाइम आप थोड़े से रुक जाओ, और आपके टीममेट फाइट करने जाए ना तो आपका टीममेट एनिमी से फाइट कर
करता है ना, उस टाइम आप जाओ, क्योंकि एनिमी ना आपके टीममेट से फाइट करने में बिजी होगा। लाइक स्क्रीन पे देखो इस तरीके से, यहाँ पे मेरे टीममेट पहले गए और वो परफॉर्मेंस कर रहे थे। देखो उस टाइम मैं गया ना, तो देखो यहाँ पे मुझे बेनिफिट कैसे मिला कि एनिमी ना मेरे टीममेट से फाइट करने में बिजी थे और मैं गया तो मुझ पे उनका ध्यान ही नहीं था, तो मैंने उनको बहुत ही आसानी से मार दिया और लास्ट में हमने राउंड भी बहुत ही आसानी से विन कर लिया। तो इस तरीके से अपने टीममेट के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेड रहो। आपका टीममेट जाता है ना, तो वो जैसे एनिमी से फाइट करता है देन आप भी जाओ। ओके, टिप्स नंबर 4, डिसाइड फाइट ऑन प्लेस। इसका मतलब है कि आपको प्लेस के हिसाब से फाइट को डिसाइड करना है। लाइक आपका राउंड पीक में आया और यहाँ पे आप M4A1 लेके जाओगे तो चलेगा क्या? नहीं यार, यहाँ पे आपका फाइट ना शॉर्ट रेंज में होगा, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट रेंज का वेपन परचेस करना है। और मान लो कि आपका राउंड पोचिनोक में आया और यहाँ पे आप 2 शॉर्टर लेके जाओगे तो चलेगा क्या? नहीं यार, यहाँ पे आपको 2 शॉर्टर चलाने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप फाइट कैसे डिसाइड कर पाओगे? यहाँ पे आपको लॉन्ग रेंज का वेपन चूज करना है, परचेस करना है, लाइक M4A1, SVD, कोई भी वेपन हो, लेकिन पोचिनोक में आपको लॉन्ग रेंज का वेपन लेना है जिससे आप राउंड को बहुत ही आसानी से विन कर सको। फाइट कैसे डिसाइड करे समझो। लाइक आपका राउंड पोचिनोक में आता है ना, तो आप यहाँ पे रेड जोन में होते हो ना, उस टाइम आपको डिसाइड करना है कि मुझे M4A1 लेके इस घर में जाना है या फिर ये घर में जाना है या फिर इसका कवर लेके यहाँ से एनिमी को मारना है, वो आपको डिसाइड करना है। एंड पोचिनोक में आपको पता ही होगा कि एनिमी कहाँ कहाँ से आते हैं। तो इस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया, इस तरीके से आप ना प्लेस के हिसाब से वेपन परचेस करो एंड प्लेस के हिसाब से फाइट को डिसाइड करो, फाइट कहाँ करना है वो सोचो। ये 4 टिप्स को फॉलो करना एंड आपको दूसरा पार्ट चाहिए देन कमेंट कर देना। तो चलो गाइज, बाय बाय।